सबसे पहले मैं मेरी जानिब से मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस इलाके की तमाम ही नौजवान साथियों का, बुजुर्ग हजरात का, इस इलाके के तमाम ही अदारे सोसाइटियां पंच कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप लोगों ने हम सब लोगों को बुलाकर आप लोगों ने इस्तकबाल किया और खास तौर पर शेख महबूब साहब के लिए आज हम सब यहाँ जमा होंगे। मैं शेख महबूब साहब की तरफ से भी आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबकी बैठे बैठे तकरीर सुन रहा था और मुझे पता है कि यहाँ पर शहर के सबसे मुजाफात और सबसे किनारे वाली बस्ती के अंदर आज हम लोग जमा है और उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस इलाके की मौजूद है। मैं जब नेशनल पेट्रोल पंप के पास से यहां आ रहा था तो एक वक्त मुझको लगा कि अब रिक्शा आगे नहीं जाएगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि रिक्शा यहां तक आई। महबूब भाई हो या इस इलाके के तमाम बुजुर्ग हजरात नौजवान साथी हो, हमेशा चाहे शेख रशीद साहब के पास हो, मेरे पास हो, बार बार आकर यही डिमांड करते कि इस इलाके के अंदर गटर होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तमाम ही सहूलत मिलना चाहिए। ये मुतालबा आप लोग करते, आप लोग ये मुतालबा करते, अब मैं वो लीडर तो नहीं हूं जो आपसे बहुत ज्यादा वादे करके चला जाओ। मैं भी वादा कर सकता हूं कि तमाम ही काम मैं आपका कर दूंगा, एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, और चला जाऊंगा। लेकिन इस बस्ती के अंदर अगर 400 मकान है तो मुझे यकीन है कि 300 मकान वाले को मैं जानता हूं और वो मकान वाले मुझको जानते हैं। जानते ऐसे नहीं बल्कि हमारा परंपरा कई दिनों से रिश्ता है, ताल्लुक है, अगर मेरा नहीं है तो मेरे परिवार से कई वर्षों से। अगर मैं यहां पर जो भी बात करूंगा तो मुझको उस पर अमल करना। आप इस इलाके के अंदर रहने के लिए आए तो आप बहुत खुशी खुशी नहीं आए होंगे। अरे शहर के अंदर तमाम ही सहूलत थी, रास्ता था, पानी था, लाइट थी, हॉस्पिटल था, रास्ते अच्छे थे, स्कूल थी, तमाम ही सहूलत छोड़कर 400 मकान इस इलाके के अंदर आकर बस गए जहां पर कोई सहूलत नहीं। तो आप कोई खुशी से थोड़ी आए हो, जाहिर सी बात है परिवार बड़ा हुआ, चार भाई हो गए तो दो भाई ने सस्ता प्लाट मिला, जमीन मिली, बड़ा मकान है, परिवार बढ़ रहा है, बच्चों की शादियां करना है, तो आपने शहर के किनारे के ऊपर बड़ा सा घर आप लोगों ने यहां पर तामीर कर दिया और दो भाई यहां रहने आ गए। मजबूरी आपकी, अगर आपके पास रुपया पैसा होता तो आप भी शहर के अंदर कोई बड़ा सा मकान खरीदते और वहां पर आप रहते, आपकी जिंदगी वहां पर सड़ जाती। यह मजबूरी के तहत आप लोग इस इलाके के अंदर आकर रह गए।
और लेआउट जब होता है तो कई लेआउट जो मालकान होते हैं जो लेआउट करते हैं वो रास्ता भी बना कर देते, पानी की पाइपलाइन भी डाल कर देते, लाइट भी लगा कर देते, गड्ढे भी बना कर देते, और कई लोग कोई काम नहीं करते और कच्चा लेआउट बनाकर चले जाते। हालांकि वो भी सस्ता देते, इसके लिए हम लोग खरीद लेते। और मुसीबत जब आती है, जब बारिश आती आती है, जब सौगात आपको लगने वाली है, उसके बाद फिर सियासी पार्टियां माफ करना हम लोगों को नजर आती है और सियासी लोगों को की मदद लेना पड़ती है। आज इस इलाके के अंदर, इस बस्ती के अंदर आप लोग इस बात के गवाह है, महबूब भाई इस बात के गवाह है, जो भी तामीरी काम हुआ, जो भी पोल नजर आ रहे हैं, या यहां लाइट आई, या यहां पर पानी आया, या जो भी रोड बनी, गड्ढे बन गए, ये मेरे अपने परिवार की देन है, ये तो मानना ही पड़ेगा। कोई दूसरा शख्स नहीं आया आज तक, कोई दूसरी पार्टी या दूसरा लीडर ने आकर काम नहीं किया। मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं, इस बस्ती के लोगों से वादा कर रहा हूं, मेरी मां बहनों से वादा कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला अगर आपका कोई है तो आगरा रोड से आप यहां तक का कॉन्क्रीट रोड, सीमेंट रोड होना चाहिए ताकि आप लोग शहर के अंदर आसानी से जा सके, सबसे बड़ा मसला है। मैं वादा कर रहा हूं और सिर्फ वो वादा करके नहीं जा रहा हूं, मैं कल मुंबई से आया, आपने अखबार के अंदर खबर पढ़ी कि 10 करोड़ रुपया मैंने अजीत दादा पवार साहब से मांगा, यानी मांगा हूं और उसके बाद मैं लिस्ट को फाइनल करूंगा, ऐसा नहीं कि पैसा आ गया उसके बाद मैं यकीन बनाऊंगा कि 10 करोड़ कहां का खर्चा करना, ऐसा नहीं है। मैंने जाति बनाकर अजीत दादा पवार साहब के पास दिया हूं और वो मंजूर हो चुका, लेकिन जिया निकलना बाकी है, उसमें आगरा रोड से आपकी बस्ती तक सीमित कॉन्क्रीट रोड मैंने जाति के अंदर डाला ताकि आप लोगों को सौगत हो जाए। 90% काम मुकम्मल हो चुका। मैं अजीत दादा पवार साहब के पास गया और उनसे मुलाकात किया तो एक को लेटर मुझे देना तो यह बात करनी थी कि 2 महीना हो गया नगर विकास डिपार्टमेंट के अंदर वो फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, हालांकि अपना मसला नहीं है, 750 करोड़ रुपया जो अजीत दादा पवार साहब ने पूरे महाराष्ट्र के लिए दिया है वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही। अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि आप चिंता मत करिए, 1-8 दिन के अंदर फाइल निकल जाएगी वहां से। वो नहीं है, मैं दे रहा बोलने का मतलब मैं अगर वादा करने आया हूँ तो ये रोड की मंजूरी का काम मैं कर चुका हूँ, ये वादा करने के लिए आया हूँ। और धीरे धीरे आपके काम होंगे, 4 इंची पाइपलाइन है उसको बड़ी करना है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। गलियों के अंदर 4 इंची ही पानी की पाइपलाइन होना चाहिए, उसको पता है। मैं कॉर्पोरेटर रह चुका हूं, 10 साल कॉर्पोरेटर रहा, मेयर रहा, मुझे तजुर्बा है। 1000 खोली का बहुत बड़ा पानी का मसला बहुत वर्षों से था और अल्लाह का करम है, जब मैं कॉर्पोरेटर बना उस इलाके का तो मैंने ही हल किया। होना यह चाहिए कि बस्तियों के अंदर जो गलियां हैं, चाहे ये गली है, चाहे बाजू की है, जितनी भी गली है इस इलाके के अंदर है, वो 4 इंच ही पानी की पाइपलाइन उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर 8 इंच से हमको पानी लाना पड़ेगा और 4 इंच या 6 इंच के अंदर उसको ज्वाइंट करकर वो जब प्रेशर मिलता है जब पानी पहुंचता है। अगर आप बड़ी पानी की पाइपलाइन डालोगे तो वहीं से प्रेशर छूट जाएगा तो वो पानी की पाइपलाइन जो होती है वो आधी चलती है और उसके अंदर जो हमारा निप्पल होता है तो वो पानी नहीं खींच पाते, इसलिए पानी नहीं मिलता। इन्हें पानी की पाइपलाइन भर के चलना चाहिए। अगर जो भी पानी की पाइपलाइन यहां पर आई है और पानी कम आ रहा है या कम वक्त मिल रहा हो तो वहां पर जॉइन कराने के लिए 8 की कैसे हो सकती है उसके अंदर, या 6 की कैसे हो सकती है, उसके
के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा जब पानी यहाँ पर भरपूर आएगा। ऐसा भी हो सकता कि पानी का प्रेशर टूट जाता है, रास्ते में पानी अगर 1 किलोमीटर से तुम ला रहे हो पानी और बस्ती के अंदर पहुंचाना है तो बीच में अगर जितने लोग ने कनेक्शन ले लिया तो वही वो मोटर लगा के पूरा खींच लेते और ये आते आते पानी यहाँ पर दम तोड़ देता। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम ही चीजें, जो भी मसला है, पानी कम आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, उसकी जो भी टेक्निकली बातें रहेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों की पंच कमेटी और इस इलाके के जिम्मेदार के साथ में कमिश्नर और वाटर सप्लाई इंजीनियर से बैठ कर मीटिंग करके वो कैसे उसका हल निकल सकता है वहां करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं कोई वादा नहीं करूंगा कि मैं खड़ा रोड खड़ा बेटा बना दूंगा। एक वादा किया तो मैं कह रहा हूं, इलेक्शन करेगा बजट खत्म हो रहा है, मार्च के अंदर जो बजट आता है बढ़ रहा है, ये बढ़ चुका है, उससे मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, 4 का फाइनल था, 4 सीट कांग्रेस पार्टी की इलाके के अंदर आई, उस वक्त तो यहां पर रोड भी नहीं थी, या थोड़ी बहुत 200-300 होगी, 300-400 होगी। लेकिन आज महबूब भाई जो मुझको बता रहे कि 15-16 हजार 2 हजार रोड तकरीबन ये इलाके के अंदर बढ़ चुकी है। अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ये सियासी लोग बहुत चालाक होते हैं, वो यादी के ऊपर स्टडी रखते हैं कि कहां पर ज्यादा वोट है तो पहले वहां पर जाके काम करते, यार पहले यहां पर करो, ज्यादा वोट है वोट लेना रहती है और ज्यादा कम वोट रहती है वो ध्यान ही नहीं देते हैं वोट क्या वोट है। अगर आपने 1500-2000 वोट बढ़ा ली है तो अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी कैलकुलेटर छूट कर आएगा जरूर पहले आपके मोहल्ले का काम करेगा, क्योंकि आपको एक ताकत आ रही है, 2000 वोट आपके पास आ गई, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 का फाइनल होगा, 4 का तो यहां से लेकर पहाड़ से लेकर और तो पावर वाली तक, 40 गांव रोड से लेकर तो नेशनल कंपाउंड का इतना बड़ा वार्ड हमारे गांव में कहीं नहीं। लेकिन अब वार्ड छोटा होगा, पहले तो 3 गांव जाएगा और उसके साथ साथ में और छोटा क्यों होगा, क्योंकि 5 साल पहले वोट कम थी, आबादी कम थी, अब आबादी भी बढ़ी, वोट भी बढ़ गई, अब उस हिसाब से वार्ड बढ़ेगा तो वार्ड भी छोटा होगा। तो आप लोग कॉर्पोरेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमको मेजोरिटी दिलाना है इस इलाके से भी। अभी धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, मैं राष्ट्रवादी के प्लेटफॉर्म से, राष्ट्रवादी के स्टेट से मैं प्रोग्राम डिक्लेयर करूंगा कि शहर को अगर शहर की आवाम ने राष्ट्रवादी का मेयर दिया, राष्ट्रवादी को इख्तियार दिया, तो कौन से इलाके के अंदर मैं कौन कौन सा काम करने वाला हूं उसका पूरा प्रोग्राम मेरे पास है, उसके ऊपर काम चल रहा है, मैं जब बताऊंगा और आप अगर शहर ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह जरूर ये ठीक है। असेंबली हल्के की मैं बात आज नहीं करता हूं, भेदभाव की, मैं एमएलए इलेक्शन में शहर से रहता हूं, ये बाह्य के अंदर है, ज्यादा दूसरे साफ इलाके के अंदर है। लेकिन आपको आज कॉर्पोरेशन के चुनाव में दोनों ही असेंबली हल्के के अंदर जितने वार्ड है ज्यादा से ज्यादा सीट छूकर देंगे और इख्तियार अगर हमको देंगे तो इंशाल्लाह ये शहर की काया पलटने का काम हम लोग करेंगे। जयंत पाटिल साहब आए थे 2 तारीख को और उन्होंने एकदम साफ तौर पर कहा कॉर्पोरेशन पर एनसीपी का इख्तियार दो, मेयर बैठाओ, 100 करोड़ दूंगा, 100 करोड़ मुझे बताओ 100 करोड़ कहां खर्च होंगे, 100 करोड़ खर्च होनी होगी जहां पर काम की जरूरत है। और अगर दूसरे को इख्तियार दे
चैन क्या मांगे। अभी मैं बैठे बैठे व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था कि शहर के एमएलए साहब को मुबारकबाद दी जा रही है कि कल 2 साल के बाद पहला एमएलए फंड को उद्घाटन कर लिया है। 2 साल में पहली मरतबा उद्घाटन कर लिया। इनका खुद का हक का पैसा 2 करोड़ में सालाना मिलता, ये उससे ही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे बताओ कॉर्पोरेशन का इख्तदार देने के बाद ये गवर्नमेंट से क्या पैसा ला सकते हैं। और कॉर्पोरेशन के बल के ऊपर, कॉर्पोरेशन की ताकत के ऊपर चाहे तो विकास दोनों नहीं हो सकता। मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, और ये काम सिर्फ राष्ट्रवादी के लीडर कर सकते, दूसरी कोई पार्टी के अंदर इतना दम खम नहीं। मुझे बताओ आज मैं एमएलए नहीं हूं, आज मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूं, सिर्फ राष्ट्रवादी का सर्व 10 करोड़ मुझे कौन दे रहा है शहर के विकास करने के लिए? अजीत दादा पवार साहब दे रहे, कुछ नहीं है। और वक्त के एमएलए को 1 लाख भी नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि शहर का विकास, शहर का डेवलप कौन कर सकता है? एमआईएम से भी कर रहे हैं। और ये दो लोग इस देश के अंदर, जब तक ये देश ये दो लोगों से नहीं बचेगा, ये देश तबाह हो जाएगा, इस मुल्क तबाह हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो इस देश के मुसलमानों को होगा, इस देश के गरीबों को होगा। और मुसलमानों में सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के, शहर के गरीब भाइयों का होगा। हमको पता है लॉकडाउन हमने देखा, लॉकडाउन के अंदर 8 दिन तक डब्बे में अनाज था, 8 दिन के बाद डब्बे खाली हो गए। क्या हालात से हम गुजरे आप लोग को पता है? मांग कर रिलीफ का पैसा अनाज खाना पड़ा, इस बात से पेट नहीं भरता, लक्ष्यदार वो बातों से पेड़ नहीं बढ़ता। ऐसे लोग जो हमको तबाह करने के लिए है, सुपारी लिए है, मुसलमानों की ओर का बंटवारा करके भाइयों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोग से होशियार रहने की जरूरत है। हमारे जैसे लोग आपके लिए लड़ते, आपके लिए दौड़ते, आपके मसाए नहीं करते। जब आप पर कोई मुसीबत आती तो हम जैसे लोग खड़े होते हैं, आपके मसाए हल करते हैं, आपके सुख और दुख में हम लोग शामिल होते हैं। और जब हम कोई अगर नाकामी हाथ लग जाए या हम नाकाम हो जाए तो हम कब तक आपका सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे, ये सवाल है। हमारे जैसे लोग पीछे हो जाएंगे कि यार हमारा वक्त देना, मेहनत करना, मसाए हल करना, आप हर वक्त बुरे वक्त में खड़े रहना, और उसके बाद अगर नाकामी हाथ लग जाए तो हमारे जैसे लोग को भी सोचना पड़ेगा कि सियासत में रहना चाहिए या नहीं। तमाम ही बातें हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम ही इस पहला जो भी ऐसा बनेगा, राष्ट्रवादी पार्टी को आपको चुनकर लाना है। और इंशाअल्लाह उसके बाद मैं तो कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं कॉर्पोरेशन का, लेकिन जरूर तजुर्बा है। मैं कॉर्पोरेटर रहा 10 साल, मेयर रहा, कॉर्पोरेशन चलाने का, वार्ड चलाने का एमएलए रहा, शहर चलाने का तजुर्बा, गवर्नमेंट से स्कीम आने का, नासिक कलेक्टर ऑफिस से कितना पैसा ला सकता हूं, महाराष्ट्र हुकूमत से कितना पैसा ला सकता हूं, मरकजी हुकूमत से कितना पैसा ला सकता हूं, तमाम ही सलाहियत और तजुर्बा मेरे अपने पास है। और मैं पार्टी का सदर होने की हैसियत से अगर ज्यादा सीटें छूट कर दी और मेरे बैठा
तो मैं मेरी निगरानी के अंदर शहर के डेवलप जरूर करूंगा, इस बात पे यकीन दिलाता हूं। और आखिर में महबूब भाई, पंच कमेटी उमराबाद, सारा सोसाइटी, तहफूज मिल्लत, मालेगांव एक्सप्रेस और तमाम ही सोसाइटी अदारे कल्बे, इस इलाके के नौजवान बुजुर्गों, मां बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। महबूब भाई को मुबारकबाद, उनके साथियों का मुबारकबाद देते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।